जय भोलेनाथ दोस्तों। तो दोस्तों इस समय हम लोग हैं सोमनाथ बीच में। दोस्तों जय बाबा भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय दोस्तों, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ दोस्तों। तो दोस्तों फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं सोमनाथ में बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए दोस्तों। और अगर आप लोग सोमनाथ आते हैं दोस्तों तो इस तरीके का तिलक जरूर लगवाइए। तो दोस्तों मेरे पीछे जो आप लोगों को दिख रहा है ये है दोस्तों सोमनाथ की पार्किंग। सामने है सोमनाथ का मंदिर दोस्तों। पार्किंग में दोस्तों 50 रुपये का एंट्री टिकट लगेगा। पार्किंग में ही दोस्तों कई सारे वॉशरूम्स वगैरह बने हुए हैं जहाँ पे आप लोग अपनी गाड़ी पार्क कर लीजिए दोस्तों, सामान गाड़ी में रख दीजिए और वॉशरूम फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं दोस्तों। तो अभी दोस्तों हम लोग आगे जा रहे हैं। पापा लोग कहाँ गए हैं, पापा लोग थोड़ा सा आगे चल दिए हैं दोस्तों। तो अभी हम लोग जा रहे हैं सीधे और आगे आप लोगों को दिखाते हैं। हाँ जी, बहुत मजा आ रहा है दोस्तों। टीका देखिए इतना प्यारा सा लगाया है इन्होंने। ये पापा जी का भी टीका है। जय सोमनाथ, जय बाबा भोलेनाथ। तो दोस्तों चलते हैं अभी बाबा भोलेनाथ के दर्शन करते हैं। जय बाबा भोलेनाथ। पार्किंग फैसिलिटीज पीछे है, वॉशरूम्स भी वहाँ पे हैं। आगे चलेंगे दोस्तों, चलिए फिर। तो दोस्तों मैं इस समय खड़ा हूँ सोमनाथ मंदिर के मेन कॉम्प्लेक्स में दोस्तों। सामने आप लोगों को जो स्टैच्यू दिख रही है वो है दोस्तों वीर श्री हमीर जी गोहिल जी की, जिन्होंने सोमनाथ मंदिर की रक्षा करने के लिए बहुत बहुत मतलब जाबाजी के साथ लड़ाई लड़ी थी दोस्तों। तो अभी हम लोग हैं यहाँ पे चौराहे पे दोस्तों, मेन कंपाउंड के इस तरफ है दोस्तों। जो आपको समुद्र की तरफ आप लोग जाएंगे वो वाला रास्ता है दोस्तों। और दोस्तों इस तरफ है, सामने आप लोगों को दिख रहा होगा सोमनाथ मंदिर। और दोस्तों इस तरफ है पार्किंग जहाँ पे हम लोगों ने अपनी गाड़ी खड़ी कर दी। जूते चप्पल हम लोगों ने गाड़ी में ही रख दिया दोस्तों। सामने आप लोगों को एक धर्मशाला भी दिख जाएगी, इसकी फैसिलिटी आप ले सकते हैं। अदरवाइज़ कई सारे होटल्स हैं दोस्तों रास्ते में जो पड़े थे सोमनाथ मंदिर के जस्ट साइड बाय साइड दोस्तों। तो अभी चलते हैं दोस्तों हम लोग आगे, मंदिर दर्शन करते हैं। यहाँ पे हमने दोस्तों मत्था टेक दिया है और चलेंगे अभी आगे। चले बाबा जी फिर मंदिर की तरफ। चलिए जय बाबा भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय। तो दोस्तों अभी हम लोग पहुँच चुके हैं सोमनाथ के मंदिर। जय बाबा भोलेनाथ। सामने आप लोगों को दिख रहा है सोमनाथ मंदिर। इस पॉइंट के आगे दोस्तों आप लोग मोबाइल फ़ोन्स वगैरह नहीं ले जा सकते हैं। तो मोबाइल फ़ोन्स दोस्तों आप लोग यहाँ पे काउंटर्स वगैरह बने हुए हैं वहीं पे ही काइंडली मोबाइल फ़ोन्स अपने जमा करा दीजिए, बैग वगैरह जमा करा दीजिए दोस्तों। आपको टोकन मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों ये। और आप लोग आगे जाएंगे दोस्तों तो सामने दोस्तों जाके आपको ये वाला जो काउंटर है पहला वाला दोस्तों जहाँ पे चेकिंग होती है उससे आगे दोस्तों जूते चप्पल आप लोग जमा करा सकते हैं। उसमें भी आपको टोकन मिल जाएगा दोस्तों, यहाँ भी आप रख सकते हैं। अदरवाइज़ गवर्नमेंट फैसिलिटी है वो आप लोग अवेल कर सकते हैं। तो अभी चलते हैं, दर्शन करके आते हैं बाबा भोलेनाथ के और दिखाता हूँ आप लोगों को आगे। भोलेनाथ दोस्तों। तो दोस्तों अभी हमारे बहुत अच्छे दर्शन हो गए बाबा भोलेनाथ के सोमनाथ मंदिर में दोस्तों। उसके बाद हम लोगों ने दर्शन किए अभी यहाँ पे दोस्तों महारानी अहिल्याबाई के द्वारा बनाया हुआ प्राचीन भोलेनाथ का मंदिर है दोस्तों। तो सामने है दोस्तों उस तरफ सोमनाथ का मेन मंदिर और ये है महारानी अहिल्याबाई द्वारा बनाया हुआ प्राचीन मंदिर दोस्तों, मेरे पीछे जो आप लोगों को दिख रहा है। तो दोस्तों अभी हम लोग चलते हैं मंदिर के उस तरफ, जो अरेबियन सी और मंदिर के बीच में जो रूट है उस तरफ जाएंगे और वहाँ से आप लोगों को दिखाते हैं। और बाकी दोस्तों जो फैसिलिटीज़ है दोस्तों वो बहुत अच्छी बनी है यहाँ पे गवर्नमेंट की। जूते रखने के लिए दोस्तों अलग से काउंटर हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, मोबाइल रखने के लिए अलग से काउंटर हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो दोस्तों आप लोग मोबाइल अंदर मत ले जाइएगा, क्योंकि अगर आप लोग मोबाइल लेके अंदर जाएंगे तो दोबारा आपको वापस आना पड़ेगा मोबाइल वापस जब्त करवाने के लिए। तो दोस्तों बने रहिए द जोशी फैमिली के साथ एंड प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे आगे, आके आपको दिखाता हूँ। जय भोलेनाथ, जय बाबा भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। तो यह है सोमनाथ ट्रस्ट द्वारा संचालित शॉपिंग सेंटर। अगर आप लोगों को सामान वगैरह खरीदना है यहाँ पे तो आप लोग यहाँ से
खरीद सकते हैं क्योंकि ये ट्रस्ट द्वारा ही संचालित है। सोमनाथ मंदिर है सामने, महारानी अहिल्याबाई द्वारा बनाया गया मंदिर है उसके साइड में, और यह है शॉपिंग सेंटर दोस्तों। तो अभी हम लोग जा रहे हैं वापस चौक की तरफ दोस्तों, और जाएंगे पीछे जहाँ पे अरेबियन सी के साथ में जो रास्ता है दोस्तों, मंदिर के जो पहला जो रास्ता चलता है उसमें जाएंगे दोस्तों, और आपको वहाँ से दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये लाइन लगी हुई है। अभी हम जब आए थे थोड़ी लाइन कम थी दोस्तों, तो अच्छे दर्शन हो गए। तो अभी हम लोग जा रहे हैं वापस, सामान हम लोगों ने अपना ले लिया है, बैग वगैरह और मोबाइल ले लिया है दोस्तों। तभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, बीच में मोबाइल रख दिया था लॉकर में। सामने आए हैं लॉकर्स जो मैंने आपको दिखाए थे वो। तो अभी चलते हैं आगे चौराहे की तरफ, बने रहिए द जोशी फैमिली के साथ दोस्तों। देखिए अभी लाइन जो है वो बढ़ गई है दोस्तों, ये देखिए दोस्तों। तो आप लोग प्लीज़ मोबाइल लेके अंदर मत जाइएगा, जाएंगे सिक्योरिटी आपको रोक देगी और आपको वापस आना पड़ेगा जमा कराने, फिर आपको पीछे लगना पड़ेगा। और बाकी दोस्तों होम स्टेज वगैरह यहाँ पे बने हुए हैं, धर्मशाला यहाँ पे बनी हुई हैं। तो बहुत अच्छा दोस्तों, सामने जो चौराहा था वो मैंने आपको दिखाया था, अम्बेडकर जी की मूर्ति सामने है मंदिर। चलते हैं अभी आगे, बने रहिए द जोशी फैमिली के साथ। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। बाकी सामान दोस्तों आप लोग यहाँ से भी ले सकते हैं, यहाँ पे आपको अच्छे अच्छे सामान मिल जाएंगे थोड़े सस्ते दामों में। तो चलते हैं, काफ़ी अनाउंसमेंट हो रहा है दोस्तों कि मोबाइल वगैरह आप लोग रख दीजिए, बैग वगैरह रख दीजिए। तो चलते हैं दोस्तों, ये है दोस्तों पूजा विधि काउंटर डिजिटल, जहाँ पे आप लोग अपना हिसाब से पूजा वगैरह करवा सकते हैं डिजिटली। ये काउंटर्स दोबारा जो मैंने आपको दिखाए थे। और दोस्तों अभी हम जाएंगे जो रास्ता मैंने आपको बताया, जहाँ से बहुत अच्छा व्यू आता है उस तरफ। तो चलिए फिर चलते हैं, जय बाबा भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय। भीड़ बढ़ती ही जा रही है दोस्तों, जय बाबा भोलेनाथ, जय भोलेनाथ दोस्तों। तो दोस्तों इस समय हम लोग हैं सोमनाथ बीच में दोस्तों, सामने दोस्तों हो रहा है बहुत ही खूबसूरत सनराइज दोस्तों। और ये दोस्तों देखिए आप लोग अरेबियन सी की क्या लहरें आ रही हैं दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बेहतरीन दोस्तों, वेरी नाइस। और यहाँ पे आप लोग देखिए दोस्तों, ये कुछ पत्थर रखे हुए हैं दोस्तों, इनका एक लुक ही अलग आ रहा है। और मेरे सामने है उस तरफ दोस्तों सोमनाथ का मंदिर, बहुत ही बढ़िया दोस्तों, जय बाबा भोलेनाथ, बहुत ही खूबसूरत दोस्तों। ये है पूरा सोमनाथ बीच। और दोस्तों अभी हम लोग आए दोस्तों सोमनाथ मंदिर और ये अरेबियन सी के बीच में दोस्तों, एक बहुत ही खूबसूरत लेन बना रखी है दोस्तों वॉकिंग करने के लिए। तो उसका टिकट लगता है दोस्तों उस तरफ से, ₹5 का एंट्री टिकट है दोस्तों। आप लोग आ सकते हैं और इस लेन में आराम से दोस्तों घूम सकते हैं, और मंदिर का भी एक बहुत ही खूबसूरत व्यू दिखता है उस लेन से, और अरेबियन सी का भी। ये देखिए दोस्तों पक्षी, क्या बात है, बहुत ही बेहतरीन, वेरी नाइस, बहुत खूबसूरत ये सनराइज़ और ये पक्षी दोस्तों, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। तो दोस्तों आप लोग साइकिलिंग भी कर सकते हैं, साइकिल ले सकते हैं और उस लेन में साइकिलिंग भी कर सकते हैं। तो अभी दोस्तों चलते हैं, फैमिली जा रही है आगे। ये लहरें देखिए दोस्तों, क्या बढ़िया दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत, वेरी नाइस। जय सूर्यदेव, जय बाबा भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय। दोस्तों ये है पूरी वॉकिंग लेन, जैसा मैं आप लोगों को बता रहा था। सामने है दोस्तों सोमनाथ का मंदिर, जय बाबा भोलेनाथ। और इस तरफ है दोस्तों अरेबियन सी। तो अरेबियन सी और मंदिर के बीच में दोस्तों बना रखी है वॉकिंग लेन, आप इसमें आइए दोस्तों दर्शन करने के बाद। यहाँ से नज़ारा जो है वो दोस्तों एक बहुत ही अद्भुत नज़ारा दिखता है दोस्तों, बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत। तो दोस्तों अभी इस लेन में हम लोग घूमते हैं, मंदिर तक जाते हैं। आप लोग बने रहिए द जोशी फैमिली के साथ, जय बाबा भोलेनाथ। सामने दिख रहा है पूरा मंदिर और इस तरफ दोस्तों अरेबियन सी, जय बाबा भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय, जय सोमनाथ। बहुत ही अच्छा भजन कीर्तन चल रहा है दोस्तों पीछे बैकग्राउंड में, बहुत बढ़िया, जय बाबा भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ दोस्तों, जय सोमनाथ दोस्तों। तो दोस्तों बहुत अच्छे दर्शन हो गए हम लोगों को बाबा भोलेनाथ के सोमनाथ में आके दोस्तों। मेरे पीछे है पूरा अरेबियन सी, ये है दोस्तों सोमनाथ का बीच दोस्तों, और इस तरफ है दोस्तों सोमनाथ मंदिर दोस्तों, और इस तरफ हो रहा है दोस्तों बहुत ही खूबसूरत सनराइज दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग आए थे द्वारका से सोमनाथ, 230 किलोमीटर का ट्रैवलिंग करी थी हमने द्वारका से सोमनाथ दोस्तों। रास्ता जो है दोस्तों बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छा बना हुआ है, पूरा 230 किलोमीटर का समुद्र के साइड बाय साइड पूरा रूट चलता है दोस्तों। तो दोस्तों अभी हम लोग रिटर्न करेंगे वापस दोस्तों वडोदरा, उसके बाद हम लोगों की आगे फ़्लाइट है दिल्ली की और फिर गुवाहाटी की दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को हमारे ये व्लॉग्स पसंद आया होगा।
सोमनाथ का और बाकी व्लॉग्स भी आप लोगों को हमारे पसंद आ रहे होंगे। तो दोस्तों बने रहिए द जोशी फैमिली के साथ एंड प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। दोस्तों सोमनाथ का जो डिटेल्स थी वो मैंने आप लोगों को बताई दी, धर्मशाला अवेलेबल है, होटल्स अवेलेबल हैं, सब कुछ अवेलेबल है। आप लोग आइए बाबा भोलेनाथ की भक्ति में पूरा रम जाइए दोस्तों। और दोस्तों लॉकर फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, बैग रखने के लिए और जूते रखने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। तो काइंडली मोबाइल वगैरह आगे मंदिर में कैरी मत कीजिएगा जैसे मैंने आपको बताया था, क्योंकि लंबी लाइन लगती है, फिर आप लोगों को वापस आना पड़ेगा। तो फ्री ऑफ कॉस्ट फैसिलिटी अवेलेबल है दोस्तों, उसको अवेल कीजिए और बने रहिए द जोशी फैमिली के साथ एंड प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय बाबा भोलेनाथ, जय श्री कृष्णा। पीछे दोस्तों हनुमान जी कहाँ गए, ये रहे। जय बजरंगबली, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।